नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है किन किन लोगों को फाइल करना मैंडेटरी है और इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो कौन फाइल कर सकता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपको पता चले भी किस पॉइंट यानी कि किस कंडीशन के अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स की फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे आपका इनकम टैक्स नहीं बनता हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कौन कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप साथ में दबा लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कौन कर सकता है। तो जवाब यही है भी इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल है हर कोई इंडियन व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसके पास में पैन कार्ड होना जरूरी है, चाहे उसकी इनकम एक रुपये की भी क्यों ना हो, तो वो भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो फाइल कर सकता है। अब मेन पॉइंट आता है भी किन किन लोगों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही उनका इनकम टैक्स ना बने, टैक्स ना बने, लेकिन उनको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करना कंपलसरी है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर सबसे पहला वो व्यक्ति आएगा जिनकी हमारी जो इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपये तक, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा की है तो ग्रोस टोटल इनकम बात कर रहे हैं, डिडक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। डिडक्शन से पहले यानी कि 2,60,000-70,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अगर उनकी इनकम आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सेकेंड अगर हम बात करें तो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने एक साल के दौरान अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि लाइट का बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा का भरा हो तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर कोई डिपॉजिट करी है तो उनको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिनका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा की डिपॉजिट आई है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनका 25,000 से ज़्यादा TDS या फिर TCS टैक्स कटा हो यानी कि डिडक्ट हुआ हो तो उस व्यक्ति को भी उस टैक्स को क्लेम करने के लिए अपनी इनकम टैक्स की ITR भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई दुकानदार जिनकी टोटल सेल साल के दौरान 60 लाख या 60 लाख से ज़्यादा की हुई है तो उन व्यक्ति को भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या ऐसे कोई भी सर्विस या प्रोफेशनल लोग जिनकी ग्रोस रिसीट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की है तो उन लोगों को भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है अभी अगर आपकी कोई फॉरेन से कोई इनकम आ रही है, अगर आप रेजिडेंस हो यानी कि इंडियन हो और आपकी इनकम फॉरेन से आ रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करना जरूरी है। या इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट ये भी जुड़ता है कि अगर आपका कोई शेयर मार्केट से या अदर कोई आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो अब यानी कि बात करते हैं ड्यू डेट की, आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करनी कब तक है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सेशन की। अगर आपकी बिजनेस की टैक्स ऑडिट होती है तो टैक्स ऑडिट की जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024 की। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप बिलेटेड 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी लेट फीस के साथ में भी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो फाइल कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ ड्यू डेट और कुछ ऐसे पॉइंट्स। अगर आप इनके अंदर अगर अपना क्राइटेरिया के अंदर आप आते हो, ये सारी बातें आपके ऊपर लागू होती है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है ड्यू डेट से पहले ताकि आप अपनी लेट फीस के साथ बच सको।
वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।